कोरोना काल में जिस वक्त एक तरफ दिल्ली में चारों ओर ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची हुई है, कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर अब इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी तेजी से शुरू कर दी गई है। वहीं दिल्ली में एक जगह ऐसी भी है जहां पर लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। दरअसल दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में एक ऑक्सीजन प्लांट ऐसा भी है जहां पर फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग की जा रही है। इसके साथ ही लोगों को फ्री में ऑक्सीजन बांटी जा रही है। मायापुरी इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन की पहल से अस्पतालों को फ्री में ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। इस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दिल्ली पुलिस की मदद से अब तक करीब 50 अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा ऐसा दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। एक मीडिया इंटरव्यू में मायापुरी इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव नीरज सहगल ने कहा कि पिछले हफ्ते ही दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबर सामने आने लगी। तभी उन्होंने मायापुरी फेज वन के विनायक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर फ्री में ऑक्सीजन बांटने की पहल शुरू की। एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि फ्री ऑक्सीजन की कमी की बात सुनकर होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित लोगों ने उन्हें संपर्क करना शुरू कर दिया। अब तक उनकी संस्था ने करीब 700 लोगों के फोन रिसीव किए, जिसमें से 698 लोग ऐसे थे जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ घर में रखने के लिए ऑक्सीजन यहाँ से लेकर गए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।